दोस्तों अभी सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी कमाल की बल्लेबाजी कर दिया कि इंग्लैंड की कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उनकी कमर ही तोड़ के रख दिया। एक तरफ जब सुमन गिल अपने सेंचुरी के लेकर मात्र कुछ ही कदम पर चूक गया तो वहीं यशस्वी जायसवाल अपने दोहरा शतक जड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आखिरकार अब तक के भारतीय बल्लेबाजों ने कैसे प्रदर्शन किया और कौन से बैट्समैन ने कितने ज्यादा रन बरसा दिए हैं, आपको सब कुछ हाईलाइट दिखना जा रहा है। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसवाल और सुमन गिल में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है और सबसे पहले रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से शुरुआत किया था ऐसे में टीम इंडिया का स्कोर फंसते हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया का 33 के स्कोर पर 3 विकेट जा चुके थे। ऐसे में रोहित शर्मा और इसके बाद साथ देने के लिए आए रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला और इन दोनों की सेंचुरी की मदद से भारत ने एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया और इसके बाद बचे हुए जितने भी कसर थे सरफराज खान ने अपने पारी के दौरान 62 रन जोड़े और यहां से भारत ने एक अच्छा टोटल 445 का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद यहां से भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कमाल का प्रदर्शन किया जिसके वजह से 10 विकेट पर इंग्लैंड की टीम ने केवल 319 रन ही स्कोर खड़ा कर पाया और टीम इंडिया ने शुरुआत से इंग्लैंड के ऊपर हावी रहा और बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। अब टीम इंडिया को मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करके देने का था। टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल से होता है, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस मैच में टिके रहे जहां रोहित शर्मा जो कि पिछले मुकाबले में सेंचुरी पारी खेली थी और इस पारी में वो खास कमाल नहीं कर पाते और मैच कम स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन जायसवाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था ऐसे में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर बहुत ही बड़ा खड़ा करके देगा और हुआ भी कुछ ऐसा। और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी पारी खेल डाली। इसके बाद यशस्वी जायसवाल 104 के रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए क्योंकि उसकी पीठ पर कुछ दर्द महसूस किया गया था जिसके लिए उन्होंने रिटायर लेना सही समझा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ सुमन गिल भी पीछे रहने वाले में से नहीं थे जो कि पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे। इस पारी के दौरान वो सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा था और 91 का स्कोर खड़ा कर लिया था, लेकिन कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से सुमन गिल रन आउट हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जब सुमन गिल ने एक स्ट्रोक लगाया तो डायरेक्ट ऑन साइड में जा रहा था, तभी यहाँ से बेन स्टोन उस गेंद को पकड़ लेता है और यहाँ से वो डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं जिसकी वजह से विकेट पर लग जाने की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं। और सुमन गिल ने अपने पारी के दौरान 91 रन का सबसे बेहतरीन पारी खेलता है जिसमें से 2 छक्के और 9 चौके शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस सीरीज के दौरान रजत पाटीदार ने कोई खास कमाल नहीं कर पाया और एक बार फिर से वो 0 पर आउट हो गया है और इस तरह के खराब प्रदर्शन आगे रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 से बाहर भी कर सकता है। इसके बाद यहाँ से यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आते हैं डेब्यू में सरफराज खान और इन दोनों बैट्समैन ने भारत के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए जिम्मा उठा लेता है। एक तरफ जहाँ यशस्वी जायसवाल देखते देखते 150 का आंकड़ा भी छू लेता है तो वहीं दूसरी तरफ सरफराज खान यशस्वी जायसवाल का पूरा साथ देता है। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है मानो इस टेस्ट फॉर्मेट को ओडीआई फॉर्मेट में बदल दिया और उन्होंने छक्कों की बरसात ही कर दिया है। दोस्तों इस बात से पता लगाया जा सकता है कि यशस्वी जायसवाल इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है जो कि अपने पारी के दौरान 10 छक्के लगा चुके हैं और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि अपने एक ही सीरीज के दौरान वह डबल डबल सेंचुरी लगा चुका है। यशस्वी जायसवाल का पहला डबल सेंचुरी सेकंड टेस्ट के फर्स्ट इनिंग में लगाया था और इसके बाद दूसरा सेंचुरी आज देखने को मिला और इसी के साथ जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बेशक भारत के लिए उभरते सितारे के रूप में निखर सकता है, तो वही सरफराज खान भी अपने हाफ सेंचुरी की ओर भी बढ़ रहा है और अंतिम में टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने लगभग 500 से भी ज्यादा का टारगेट खड़ा करके दे सकता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, ये मुकाबला कौन जीतेगा, इंडिया या फिर इंग्लैंड, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।